हर हर महादेव दोस्तों। दरअसल शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा श्री राम से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में स्वयं श्री राम ने की थी। रामायण के अनुसार त्रेता युग में श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया था। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए। एक मान्यता ये भी है कि जब श्री राम लंका विजय करके लौटे तो ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव पूजन के लिए कहा, जिसके बाद भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश जाकर शिवलिंग लाने को कहा। इसके बाद जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर लगी तो माता सीता ने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने पूजा की। दोस्तों उस शिवलिंग को आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हनुमान जी जिस शिवलिंग को लेकर आए उसे भी वहीं स्थापित किया गया, जिसे हनुमदेश्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों रामेश्वरम मंदिर के भीतर 24 कुएं हैं। लोग इन कुओं को पावन तीर्थ के समान पूजते हैं और इसके जल से स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। इन कुओं के बारे में मान्यता है कि इन्हें भगवान श्री राम ने अपनी बाढ़ से बनाया था। तो दोस्तों ये थी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के स्थापित होने की कथा। ज्योतिर्लिंग के रूप में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग विश्व भर में प्रसिद्ध है और हम सबको अपने जीवन काल में एक बार इस अनूठे ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए, जहाँ पर भगवान श्री राम और भगवान शिव शंकर दोनों का ही निवास है। आगे हम आपके लिए आखिरी और 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा लाएंगे और कमेंट में बताएं कि 12वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल कनेक्ट विद यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। हर हर महादेव दोस्तों।